सो ही क्लासेस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। एंड गाइज आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक न्यू अटैक स्ट्रैटेजी जो कि भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी ही है, बट उसमें भाई सुपर अर्चर बीम का यूज़ किया गया है। एंड ये देखिए भाई प्लेयर का नाम गूरी इज़ बैक एंड इन्होंने भाई यूज़ किया है ये आर्मी। एंड देखते हैं भाई किस तरह से बेसिस को इन्होंने बूम बाम की है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बंदे भाई चैनल पे न्यू हैं चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे सबसे पहले, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दे। तो भाई ये रहा पहला बेस एंड डायमंड स्टाइल बेस है। एंड ये जो है काफ़ी पॉपुलर बेस है भाई लेजेंड लीग में। एंड इस आर्मी के साथ आप लोग को सबसे पहले भाई दो साइड में फनल क्रिएट करना पड़ता है जैसे कि किया जाता है हर बार, मतलब इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी में जैसा किया जाता है सेम उसी तरह से दो साइड में आपको फनल क्रिएट करना पड़ता है। एंड भाई यहाँ पर स्पेल्स जो है दो रेज स्पेल एक क्लोन स्पेल है एंड पांच इनविजिबल एंड एक फ्रीज स्पेल है भाई, दो फ्रीज स्पेल है सॉरी। तो भाई दो रेज स्पेल जो है एक रेज स्पेल आपके इलेक्ट्रो ड्रैगन के आर्मी के साथ जाएगी एंड एक जो रेज है भाई वो आपके बीम के पास जाएगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, ठीक है। तो ये देखिए भाई बीम को ड्रॉप कर दिया गया है एंड भाई ये देखिए बीम को अब चार्ज कर दिया जाएगा वार्डन की एबिलिटी के साथ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन भी चार्ज हो चुके हैं एंड ब्लिम जो है अब यहाँ पर ब्लिम को खोला जाएगा। तो आप लोग को भी लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा कि जहाँ से ब्लिम को प्रॉपर वैल्यू मिले। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ब्लिम को खोल दिया गया है, सबसे पहले इनविजिबल डाला गया, उसके बाद सेकेंड इनविजिबल डालना है आप लोग को एंड देन क्लोन स्पेल एंड रेज स्पेल भाई। एंड एक ही क्लोन स्पेल का यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ब्लिम में है भाई यूज़ हुआ है दो सुपर आर्चर एंड एक सुपर विजार्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया चेन डैमेज मिला भाई एंड बहुत कुछ डाउन हो गया भाई। तो आप लोग तीन सुपर आर्चर भी यूज़ कर सकते हैं आपकी मर्जी, बट आप लोग ये जो सुपर विजार्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो भी एक बार ट्राई करके देखना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आप लोग को हीरोज़ को कुछ इस तरह से ड्रॉप करना रहता है बेस को, जितना भी क्लियर कर पाएंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन और बैटल ब्लिम्प मतलब सुपर आर्चर ब्लिम्प जितना वैल्यू निकालेंगे निकालने देना है। एंड उसके बाद भाई आपको एंड में आप लोग को हीरोज़ को ड्रॉप करके पूरे बेस को टेक डाउन करना रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रो टाइटन भी है। तो इलेक्ट्रो टाइटन भाई इसलिए लिया गया है क्योंकि भाई यहाँ पर पॉइजन नहीं लेके जाते हैं इस आर्मी में एंड इलेक्ट्रो टाइटन जो है स्केलीज वगैरह को आराम से भाई टेक डाउन कर लेती है, क्योंकि जो उसका ऑरा होता है उसी में आते ही भाई उसके रेंज में आते ही आराम से भाई टेक डाउन कर लेता है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं रॉयल चैम्पियन को ड्रॉप कर दिया गया है एंड रॉयल चैम्पियन के साथ भाई यूज़ किया गया है डिग्गी पैड का। एंड डिग्गी पैड जो है काफ़ी ज़्यादा भाई बेनिफिट देता है खासकर रॉयल चैम्पियन के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है एंड रॉयल चैम्पियन भाई आराम से ये टेक डाउन कर दी। एंड यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर वे में भाई फ्रीज स्पेल का यूज़ किया गया एंड किंग को भाई रोक दिया गया एंड आरसी को किंग के पास जाने ही नहीं दिया। एंड यहाँ पर आराम से भाई बेस को क्लियर कर दिया जा रहा है एंड अभी भी भाई क्वीन की एबिलिटी बची हुई है एंड बहुत ही ओपी तरीके से भाई ये बेस डायमंड स्टाइल बेस जो है क्लियर हो चुका है। आइए कुछ और बेसेस देखते हैं। तो भाई ये रहा सेकंड बेस एंड बेस डिजाइन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, ठीक है, खतरनाक लग रहा है भाई देखने में। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्मी भी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले भाई फनल क्रिएट किया जा रहा है जैसे कि मैंने बोला कि इस आर्मी में जैसे इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी में करते हैं फनल क्रिएट करना पड़ता है। एंड उसके बाद देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन प्लस रूंस को जो है कुछ इस तरह से स्पैम कर दिया गया, पीछे से भाई ग्रैंड वार्डन भी आ चुका है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इसमें लावा हॉर्न का यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला रेज भाई डाला गया हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन के ऊपर एंड अभी बैटल ब्लिम्प आती होगी, ये देखिए बैटल ब्लिम्प भी आ चुकी है भाई। एंड अब जो है भाई ये देखिए जैसे ही बैटल ब्लिम्प जो है वार्डन की एबिलिटी अब टैप कर दिया गया है, जैसे ही वार्डन की एबिलिटी के एरिया से बाहर जा रही थी ब्लिम्प को चार्ज कर दिया गया है। एंड अब जो यहाँ पर ब्लिम्प को खोल दिया जाएगा एंड यहाँ पर खोल दिया गया है एंड सबसे पहले भाई एक इनविजिबल को डालना है आप लोग को। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड इनविजिबल डालने के बाद एक क्लोन स्पेल देन रेज स्पेल भाई डालना है एंड फिर अगेन भाई इनविजिबल स्पेल को आप लोग को ड्रॉप करना है, यही है ब्लिम्प का प्रोसेस। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि आराम से जो है यहाँ पर भी एक सुपर विजार्ड एंड दो सुपर आर्चर का यूज़ किया गया है ब्लिम के अंदर एंड ठीक है भाई बहुत ही बढ़िया। एंड यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक वैल्यू निकल चुका है एंड इलेक्ट्रो ड्रैगन से भी ठीक ठाक वैल्यू निकल के आ चुका है। एंड अब जो है भाई मेन काम है भाई हीरोज़ को साथ, ठीक है। तो हीरोज़ को अब देखते हैं कहाँ से ड्रॉप किया जाएगा। तो हीरोज़ को भाई इधर से ड्रॉप कर दिया गया है किंग एंड क्वीन को
एंड आरसी को अभी थोड़ा सा होल्ड रखा गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रो टाइटन जो है आ चुकी है। एंड इलेक्ट्रो टाइटन को देखिए भाई, अभी ये जो है पॉप्स को बहुत ही जल्दी टेक डाउन कर देगी। ये देखिए भाई, आराम से भाई एक झटके में भाई डाउन हो गया। एंड यहाँ पर किंग जो है यहाँ पर वॉल ओपन करके इस मल्टी टारगेट इन्फर्नो के पास पहुँचाया गया। एंड यहाँ पर एक फ्रीज भी यूज़ किया गया है ताकि जो है मतलब हीरोज़ को थोड़ा सा सेव किया जाए। एंड इधर से भाई रॉयल चैंपियन को ड्रॉप किया गया। एंड यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो टावर भी है। एंड यहाँ पर भाई आरसी की एबिलिटी को टैप कर दिया गया है क्योंकि भाई सिंगल इन्फर्नो दिक्कत दे सकता था, इसीलिए भाई नॉर्मल बिल्डिंग्स को पहले टेक डाउन कर दिया गया ताकि जो है रॉयल चैंपियन आराम से भाई सिंगल इन्फर्नो टावर के पास जा पाए। तो ये देखिए भाई, अभी भी एक फ्रिज इस पर बचा हुआ है। एंड साथ ही में क्वीन की एबिलिटी भी बची हुई है भाई। तो एंड बेस में ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा हुआ है, सब बाहर में ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि फ्रिज स्पेल को यहाँ पर यूज़ कर लिया गया है, बट ज़रूरत नहीं थी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड देख सकते हैं भाई, अभी भी बेस में कुछ भी नहीं बचा, बस क्लीनअप प्रोसेस बचे हुए, कुछ टेस्टर्स बचे हुए हैं। आर्मी भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग इस आर्मी का एक बार यूज़ करके ज़रूर से देखें। एंड आइए एक लास्ट अटैक देखते हैं। तो भाई ये रहा लास्ट बेस, एंड ये जो है बॉक्स बेस है भाई। एंड देखने वाली बात है कि इस वाले बेस में कहाँ से अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। बात तो सही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन को ड्रॉप किया गया है। ओके, तो तीन इलेक्ट्रो ड्रैगन को कुछ इस तरह से ड्रॉप किया गया है क्योंकि ये मल्टी टारगेट को शायद निकालने की कोशिश की जा रही है। एंड एक इलेक्ट्रो ड्रैगन भाई इधर से ड्रॉप किया गया ताकि जो है आराम से एक पाथ बन जाए। एंड इलेक्ट्रो ड्रैगन जो है थोड़े से कोर के अंदर चले जाए तो एंड वैल्यू निकाल के दे दे तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और एक इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड बाकी जितने भी इलेक्ट्रो ड्रैगन थे सबको ड्रॉप किया गया। एंड यहाँ पर वार्डन भी आ चुका है, पीछे से भाई कुछ रूम्स को ड्रॉप कर दिया गया है। अच्छा, रूम्स ख़त्म हो चुके हैं, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटल ब्रिम को ड्रॉप कर दिया गया सीधा। एंड अब जो है यहाँ पर रेज डाला गया भाई। एंड अब जो है यहाँ पर वार्डन की एबिलिटी भी टैप कर दी जाएगी, तो टैप हो गया भाई। एंड यहाँ पर देखा जा रहा है कि बैटल ब्रिम जो है आराम से भाई जा रही है टाउन हॉल के पास। एंड यहाँ पर आई थिंक खोल देगी अब ब्रिम को, तो ओके, तो ब्रिम भाई काफ़ी ज़्यादा दूर पहुँच चुकी है। एंड यहाँ पर सबसे पहले इनविजिबल को डाला गया। एंड भाई उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी भाई सुपर विजार्ड का यूज़ हुआ है, प्लस सुपर अर्चर तो है ही भाई। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम, पहले इनविजिबल, फिर उसके बाद भाई और एक इनविजिबल, देन क्लोन, देन रेज, फिर इनविजिबल डाला गया। एंड उसके बाद भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि ठीक ठाक वैल्यू निकल रहा है। एंड ये मोनोवेद भी निकल जाएगा तो बहुत ही अच्छा। ओके, तो मोनोवेद भी निकल गया एंड एक्सपोज नहीं निकल पाया, चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड अब जो है हीरोज़ को यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉप किया गया, किंग एंड क्वीन को। एंड अभी जो है फिर से भाई रॉयल चैंपियन को जो है होल्ड रखा गया है। एंड इस आर्मी में भाई आप लोग को दो फ्रीज स्पेल भी देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कुछ स्पेस भी भाई बचने चाहिए ताकि जो है हीरोज़ के साथ भी यूज़ कर पाए। एंड आर्मी के साथ भी यूज़ हुआ भाई, तो ये आर्मी मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा क्योंकि दूसरे आर्मी में क्या होता है कि सुपर ऐसे ब्लिम्प यूज़ किए एंड ब्लिम्प अगर ख़त्म तो भाई पूरा एकदम भाई अटैक ही ख़त्म हो जाता है। एंड यहाँ पर और एक फ्रीज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। एंड ये देखिए भाई, आराम से स्कैटर प्लस ये मल्टी टारगेट इन्फर्नो को निकाल दिया गया है। एंड आरसी जो है ये देखिए भाई आराम से एक्सपो को निकाल रही है। एंड अभी भी हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है, प्लस एक फ्रीज इस पर भी बचा हुआ है जो कि भाई आराम से बेस को क्लियर करने के लिए काफ़ी है। एक हेड एंटर भी बचा हुआ है जो कि आई थिंक यहाँ पर यूज़ कर दिया गया है ओपोनेंट की किंग एंड क्वीन के लिए, तो ठीक है भाई। एंड बेस में बस एक ये देखिए भाई गोल्ड स्टोरेज बचा हुआ है जो कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है एंड आराम से टेक डाउन कर लिया जाए। तो भाई आप लोग भी इस आर्मी का एक बार यूज़ करके देखें, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड आई होप आप लोग को ज़रूर मज़ा आया होगा। तो भाई आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड मैं मिलता हूँ भाई आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक गाइस जय हिंद।